उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मुस्लिम युवती ने प्यार में समाज की बंदिशों को तोड़कर शादी रचाई। मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के साथ सात फेरे लिए। इससे पहले विधि विधान से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से वे हिंदू बनी। बिजनौर की रहने वाली मुस्लिम युवती निशा खान ने हिंदू धर्म अपना लिया और प्रेमी राजेश के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की। राजेश ने निशा के साथ सात फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ रहने का वचन भी लिया। पंडित के शंखधान के आश्रम में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। राजेश ने राधिका की मांग में सिंदूर भरकर उसे मंगलसूत्र पहनाया। इसके बाद राधिका ने राजेश के साथ जमकर डांस किया। दरअसल निशा खान और राजेश की बिजनौर में मुलाकात हुई। ये मुलाकात प्यार में बदल गई। निशा मुस्लिम थी लेकिन वो अपने प्रेमी का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी और इसलिए हिंदू धर्म में शादी करने के लिए तैयार हो गई। निशा ने बताया कि शादी से पहले उसके परिवार वाले उसके साथ मारपीट करते थे, घर वाले उसे बोझ समझते थे और शादी में दहेज को लेकर अक्सर ताने मारते थे। आपके घर पर कैसे जुल्म होते थे? जी, वो मुझे बहुत मारते थे और बहुत तंग करते थे और घर से भी बाहर निकाल देते थे। बोलते थे कि कहीं पर भी चले जाओ। ऐसा क्यों करते थे? जी, वो मुझे पसंद नहीं करते थे पहले से। क्यों? पता नहीं, बोलते थे कि तू बोझ है हमारे लिए। बोझ है हमारे लिए? जी। पंडित के शंकर बताते हैं कि वे अब तक 130 मुस्लिम महिलाओं को घर वापसी करा चुके हैं और उनका विवाह हिंदू धर्म के युवाओं से कराया है और वे खुद युवतियों के पिता बनकर कन्यादान करते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि मैं धर्मांतरण करा रहा हूं। धर्मांतरण कराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं धर्मांतरण कतई नहीं करा रहा। ये लोग जो बालिग हैं, जिन्हें संविधान अधिकार देता है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से अगर किसी धर्म को मानते हैं तो मैं उसमें कैसे रोक सकता हूं उन्हें। और अपने आप स्वयं धर्म परिवर्तन या घर वापसी कर रहे हैं लोग, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। बस इतना है कि मैं धर्म के अनुसार उन लोगों के जो भी नियम हैं धर्म के अनुसार उनका शुद्धिकरण कराता हूं और विवाह आदि संस्कार कराने का मेरा काम है, वो करा देता हूं। निशा ने अपने प्यार के लिए इस्लाम धर्म छोड़ दिया और सनातन धर्म अपनाया। निशा और राजेश ने सात फेरे लेकर जीने मरने की कस्में खाई। दोनों ने पंडित के शंघर से आशीर्वाद दिया। किसी ने सची कहा है कि प्रेम में धर्म, जाति और सीमा का कोई पाबंद नहीं। बरेली से अनादि टीवी के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।